हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टेररिज्म पर, और ये इस वीडियो का पार्ट थ्री है। अगर इससे पहले आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। हमारा जो टारगेट है वो हमारा आपका जेआरएफ है, ठीक है। सो मैं पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट जो लेसन्स हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड यहाँ पर मैं आपका पूरा जो जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट जो पेपर जून में है उसके लिए, तो यहाँ पर मैं आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करवा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये जेआरएफ लेकर आना है, ठीक है। सो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। अनअकैडमी का एक जो अनअकैडमी है एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ पर आप मीनाक्षी सिंह सर्च करके वहाँ पर मेरे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये सभी चीज़ें वहाँ करवाई हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी देखिए, वहाँ पर अभी जो मैं वहाँ पर डेली लाइफ क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है। तो डेली लाइफ क्लासेस से क्या है, यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू ये दोनों आपके कराए जा रहे हैं। आपके फ्री आपके अनअकैडमी पर जितने भी एडुकेटर हैं जो एनटीए यूजीसी नेट के पेपर वन और पेपर टू को पढ़ाते हैं, तो वो सभी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप उन सभी के लेसन्स को वॉच कर सकते हैं, उन सभी की लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं और पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि 3 मंथ्स का आया हुआ है, ठीक है। तो 3 मंथ्स का जो अभी आया हुआ है, 3 मंथ वाला, तो 3 मंथ वाला आप ले सकते हैं। 3 मंथ वाले में क्या होगा कि आप 3 मंथ वाले में लोगे तो अभी अप्रैल से जितना भी 1 अप्रैल से जितना भी लेसन्स कराए गए हैं, ठीक है, 1 अप्रैल से जितने भी लेसन कराए गए हैं, तो वो उसका आपको क्या मिलेगा, एक तरह से पीडीएफ भी मिलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। सो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, मीनाक्षी सिंह ट्यूटर 1996। तो आप मेरा ये जब रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, ठीक है। और आपको जो है जो वहाँ पर प्राइस है और भी ज़्यादा रिजनेबल हो जाएगा। सो आज हम इस बारे में, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे आतंकवादियों के आयाम, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आतंकवादियों के तरीके, ठीक है। तो आतंकवादियों के तरीके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो किस तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। आज तो आतंकवादी तरीके जो हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आदिम साधनों से आधुनिक परिष्कृत जो हथियार हैं, ठीक है, उनकी तरफ, हथियारों यहाँ तक कि हम देखें हथियार गैसों से तक विकसित हो गए हैं। किस तक विकसित हो गए हैं, गैसों तक विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो गैस से भरे हुए इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आतंकवादियों का आपने देखा होगा ये चीज़ें। तो आतंकवादी अगर हम देखें तो वे उपयोग करते हैं और कभी कभी इसका उपयोग भी करते हैं, देश में निर्मित जो पिस्तौलें होते हैं, ठीक है, जो वेपन्स होते हैं, कच्चे माल वाले बम होते हैं, ठीक है, कच्चे माल वाले बम हो गए आपके, ठीक है, सरल हथियार हो गए। तो अतीत में अगर हम देखें तो आतंकवादियों ने केवल प्रचार करने की कोशिश की और लोग आमतौर पर मारे नहीं गए, केवल भयभीत होते थे। पहले क्या होता था, पहले इन लोग चीज़ों का देखते थे तो कच्चे माल, ठीक है, कच्चा माल हो गया, पिस्तौल हो गया, तो इन सब चीज़ों का यूज़ जो आतंकवादी करते थे, अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक तरह से लोगों को डराने के लिए, ना कि उनकी उनको जान से मारने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बम फेंके जाते थे, ठीक है। क्या होता था पहले कि ध्यान आकर्षित करने के लिए बम फेंके जाते थे, जिनका उद्देश्य निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करना था। लेकिन 1968 के बाद से क्या देखा जाने लगा दोस्तों, पश्चिम एशिया में आतंकवाद की समकालीन लहर की शुरुआत के साथ ही आतंकवादी समूह ने क्या किया, तेजी से अपने तरीकों और हथियारों को परिष्कृत किया, यानी कि चेंज किया, ठीक है। उसके बाद देखिए 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो आतंकवाद की जो तकनीक है और उपयोग में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और तकनीकी जो हो रही है, तकनीक जो है, तकनीक में भी उन्नति आएगी। भाई आतंकवाद जब इन तकनीक और उपयोग में क्रांतिकारी जब बदलाव आएंगे तो इट मीन्स कि तकनीक उत्पन्न हो रही है नई नई, है ना। तो आतंकवादियों को एक नई गतिशीलता मिली है और सभी रंगों में देखें तो राजनीतिक आंदोलन में रणनीति का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वास्तव में एडोल्फ हिटलर अगर हम देखें, जो नाजी जर्मनी के अधिनायकवादी शासन और स्टालिन के सोवियत संघ ने हमें आतंकवाद को अपनी राजनीति के रूप में अपनाया, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, ठीक है।
अब देखिए, हम राज्य में उनकी नीतियों और विचारधाराओं का भयपूर्ण पालन करने के लिए कानूनी प्रतिबंध के बिना यातना निष्पादन जैसी तकनीक चलाई गई। माओ ने स्टालिन की तुलना में बहुत व्यापक पैमाने पर आतंक का शासन शुरू किया, ठीक है। और ईरान ने भी खुमेनी के शासन के दौरान आतंक और आतंकवाद के खिलाफ एक दौर का अनुभव किया, जब बड़े पैमाने पर हत्याएं और सामूहिक हत्याएं दोस्तों की गई थी। अब देखिए, एक आतंकवादी समूह जो है निपटान में लक्ष्य और संसाधनों के आधार पर नरम लक्ष्य और कठिन लक्ष्य को भी चयन करता है, कि एक तरह से कुछ किसी के कठिन लक्ष्य हो सकते हैं तो किसी के नरम लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें भीड़भाड़ वाले स्थानों को बनाया जाता है, जैसे कि अगर हम खालिस्तान देखें तो सिखों का जो एक तरह से है जो बाहर से किया जा रहा है ना। और उदाहरण के लिए 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अगर हम देखें तो पार्किंग क्षेत्र में कार का बम फेंका जाना, सीरियल बम विस्फोट हो गया, बॉम्बे में खूंखार जो RDX है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की जाने गई हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जाने गई हैं और कई बार अधिक भी घायल भी हुए हैं। बम्बई के विभिन्न स्थानों पर, इसीलिए देखें अयोध्या विवादित स्थल जो है, ठीक है, राम मंदिर के रूप में इसका बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या था, सम्राट ने बाबर द्वारा निर्मित एक मस्जिद के रूप में था ये, ठीक है। तो देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत की हत्या की शांति और समानीकरण की प्रक्रिया के विरोधियों द्वारा 1978 में डेविड शिखर सम्मेलन में इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया के लिए सहमत होने के कारण हुई, जिसमें व्यक्ति को निशाना बनाया गया था। अब मिस्र के राष्ट्रपति जो अनवर सादत थे, इनकी हत्या जो थी वो शांति और सामान्यीकरण की प्रक्रिया के विरोधियों द्वारा हुई थी, वो लोग शांति नहीं चाहते थे। और 1978 में कैम्प डेविड शिखर सम्मेलन में इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया के लिए सहमत होने के कारण इनकी हत्या कर दी गई, और एक व्यक्ति को, इसमें क्या था, आतंकवादियों द्वारा क्या किया गया, एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया, है ना। इसी प्रकार से 1991 का जो हम देखें राजीव गांधी जी को देखें, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 9/11 भी मैंने आपको बता दिया था कि घटना भी बहुत ज़्यादा भीषण थी, ठीक है, तो ये आपको मैंने सारा आपको बता दिया। आत्मघाती दस्ते देख लो, इसमें देखिए क्या होता है कि आत्मघाती दस्ते जो आतंकवादियों ने हमले में खुद को मारकर अपने लक्ष्यों को ख़त्म करने का एक अनूठा तरीका अपनाया है, ठीक है, कि विस्फोट को मैं अपनी कमर पर बांध लेते हैं, ठीक है, जैसे राजीव गांधी की इसमें हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें टेररिस्ट समूह और संगठन थोड़े से मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है कि शासन के खिलाफ गुटों द्वारा आतंकवादी तकनीकों का उपयोग सदियों पुरानी घटना है। एक प्रमुख हथियार के रूप में देखें तो आतंकवाद का सहारा लेने वाले आंदोलन का पहला प्रमुख उदाहरण पश्चिम एशिया का हथियारा था, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हत्याओं की क्या कर दी थी, श्रृंखला लगा दी थी, और मुस्लिम दुनिया भर में अपने एजेंटों को भेजा था, एक तरह से जो एजेंट्स होते हैं ना उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, आई होप, ठीक है। चलो मैं आज आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ पाकिस्तान के, देखो ये आप लिख लेना, ठीक है, ये आप लिख लेना, क्योंकि ना इसमें मैंने लिखवाया नहीं है तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान के अगर हम देखें तो बलूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, लिबरेशन फ्रंट है इसका, ठीक है, और हरकत उल अंसार है, ठीक है, और जमात उल फारूक है। ये सारे ना यहाँ पर ना, ये जितने भी मैं बता रही हूँ आपको, ये आतंकवादी संगठन है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान के देखें तो अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं, ठीक है, आतंकवादी संगठन, तो हरकत ए इस्लामी है, ठीक है, हरकत ए इस्लामी इंग्लिश में भी इसी तरीके से नाम लिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी ज़्यादा सोचे समझे ना, ठीक है, जमात ए इस्लाम, तो इन्हीं वर्डों को आप इंग्लिश में लिख लें, जमात ए इस्लाम, ठीक है, यहाँ पर है ये। और तालिबान मिलिशिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है ये तालिबान मिलिशिया, यहाँ लिख देती हूँ इसका, ठीक है, तालिबान मिलिशिया, ठीक है। सो और भी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, इधर बता देती हूँ। तो देखो इसके अंदर और भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है, इजराइल का बता देती हूँ, इजराइल में है, ठीक है, सोवियत सऊदी अरबिया में है, ठीक है। तो इजराइल में अगर देखें हम, तो इजराइल में कौन कौन से हैं दोस्तों, इजराइल में है आपका है अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन, अबू ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है निडाल
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, ठीक है, अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन डा है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो वो है आपका हमस, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है हमस, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ का है बच्चों, आपको पता चल जाएगा अब, ये इजराइल का है, ठीक है। मैं नाम आया था, नाम का आपने देखा भी होगा, ठीक है, बट ये नहीं पता चल रहा होगा कहाँ का है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ का है ये हमस, कहाँ का है बच्चों, इजराइल का है, ठीक है। एक और है डेमोक्रेटिक फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॉलिस्तीन, ठीक है, पॉलिस्तीन में इंग्लिश हिंदी में लिख दे रही हूँ, ठीक है, पॉलिस्तीन, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर हम सऊदी अरबिया का देखें तो सऊदी अरबिया में कौन कौन से हैं, तो सऊदी अरबिया में जो है आपके हिजबुल्ला सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ का जो है एक इम्पोर्टेंट हिजबुल्ला, ठीक है, हिजबुल्ला गल्फ कहा जाता है इसको, इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, हिजबुल्ला गल्फ, ठीक है। और दूसरा है इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद भी कहाँ का है बच्चों, ये सऊदी अरबिया का है, ठीक है, इस्लामिक जिहाद, ठीक है, इन हैजाज, ठीक है, इन हैजाज इसका पूरा नाम है। और उसके अलावा देखिए टाइगर्स ऑफ द गल्फ, द टाइगर्स ऑफ द गल्फ, ठीक है, ये भी है आपका। अब हम लोग देख लेते हैं ईरान का, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, चलो बता देती हूँ ईरान, ठीक है। तो ईरान में कौन कौन से हैं, ईरान में है आपके अंसार ए हिजबुल्ला, ठीक है, इसमें हिजबुल्ला गल्फ जो है वो सऊदी अरबिया का है, और अंसार है हिजबुल्ला, ठीक है, अंसार ए हिजबुल्ला कहाँ का है बच्चों, ये है आपका ईरान का, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानिया कुर्दिस्तान, ये भी ईरान की है, कौन सी है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानिया, ठीक है, कुर्दिस्तान, ईरानिया कुर्दिस्तान, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ठीक है, इन आतंकवादियों को जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, और वित्त पोषित भी किया जाता है, और उन एजेंसियों द्वारा सुसज्जित भी किया जाता है, ठीक है, जिनसे इनको क्या कहता है, खतरनाक घटनाओं के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो आतंकवाद जो है एक तरह से आतंक और हिंसा के साधनों से ये लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों को बढ़ाने के, एक तरह से पूरा करने के लिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, एंड सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना, मेरी डेली लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं जहाँ पर आपको पूरा पेपर 2 वहाँ कराया जा रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।